शाही पनीर बनाने के लिए सबसे पहले मैंने पैन में एक बड़ा चम्मच मक्खन ऐड कर लिया है। आप देसी घी भी डाल सकते हैं। अब आप डाल दीजिए आधा चम्मच जीरा और इसको थोड़ा सा फ्राई कर लीजिए। जीरा फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच धनिया। इसके साथ ही आप ऐड कर दीजिए 1 तेज पत्ता, 2 हरी इलायची, 7 से 8 काली मिर्च, 1 बड़ी इलायची, 4 लौंग, 1 दालचीनी की स्टिक और अब आप इन सब चीजों को अच्छे से मिला दीजिए। सभी खड़े मसाले अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच सौंफ, 7 से 8 कलियां लहसुन की ऐड कर दीजिए, थोड़ी सी अदरक और 1 हरी मिर्च और अब आप इन सब चीजों को भी अच्छे से फ्राई कर लीजिए। अदरक और लहसुन भी अच्छे से भून चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे 3 बड़े बड़े पीसेस में कटे हुए प्याज, 3 बड़े पीसेस में कटे हुए टमाटर और 7 से 8 काजू और अब आप इन सब चीजों को भी अच्छे से फ्राई कर लीजिए। टमाटर थोड़ा सा सॉफ्ट हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 कटोरी दही और इसके साथ ही आप डाल दीजिए 1 गिलास पानी और अब आप इसे 2 मिनट के लिए ढककर रख दीजिए। 2 मिनट हो चुके हैं। अब आप इसे खोल लीजिए और अब हम इसमें डाल देंगे 1/2 चम्मच नमक। नमक डाल के भी एक बॉयल आ चुका है। अब आप गैस को बंद कर दीजिए और इसको ठंडा कर लीजिए। इसको ठंडा करने के बाद ग्राइंड कर लीजिए। मैंने मसाले को ग्राइंड कर लिया है। अब आप इसे छान लीजिए क्योंकि हमने इसमें खड़े मसाले डाले हुए हैं, तो आप इस तरह से सारे मसाले को अच्छे से छान लीजिए। सो फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने सारे मिक्सचर को अच्छे से छान लिया है। सबसे पहले मैंने पैन में 1 बड़ा चम्मच मक्खन को गरम कर लिया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 चम्मच हल्दी। फिर इसको अच्छे से मिला लीजिए। 2 मिनट हल्दी को पकने दीजिए। हल्दी पक चुकी है। अब हम इसमें अपना मसाला ऐड कर देंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब आप इसमें डाल दीजिए 1/2 चम्मच देगी लाल मिर्च और मिर्च को डालने के बाद आप इसको 5 मिनट के लिए पका लीजिए। 5 मिनट हो चुके हैं और हमारी ग्रेवी अच्छे से पक चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच इलायची पाउडर और इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। इसके साथ ही हम ऐड कर देंगे थोड़ा सा केसर। इसको मैंने पानी में भिगो कर रखा हुआ था। शाही पनीर बना रहे हैं तो कुछ रिच रिच चीजें भी डालेंगे हम इसमें। और इसके साथ ही हम डाल देंगे 1 बाउल मलाई और अब आप इन सब चीजों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए और अब आप इसे 5 मिनट के लिए ढककर रख दीजिए। 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम ढक्कन खोल लेते हैं और हमारी ग्रेवी जो है वो पूरी तरह से तैयार है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक। नमक हमने पहले भी डाला था तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं और आप डाल दीजिए 1/2 चम्मच गरम मसाला और इन दोनों को अच्छे से मिला लीजिए। अब हम इसमें डालेंगे 200 ग्राम स्क्वायर शेप में कटे हुए पनीर के पीसेस
और अच्छे से मिक्स कर लीजिए और 2 मिनट तक इसे इसी तरह से गैस पर रहने दीजिए और उसके बाद गैस को बंद कर दीजिए। चलिए फ्रेंड्स, अब हम शाही पनीर को सर्व कर लेते हैं। अब आप इसको बटर नान, गार्लिक नान, मिस्सी रोटी या आपको जो भी रोटी का फ्लेवर अच्छा लगता है उसके साथ शाही पनीर को सर्व कर सकते हैं।